ये देखो ये हमारी कबूतरी ना, ये बहुत तेज हो गया ही है, ये कल उड़ गई थी। वैसे देखो डरा, सफाई कर दी थी इनकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अदर प्रोग्राम। खुश हो गए, खैरियत से होंगे, जाकर लाइक तो अभी तक डाइए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, समय पहले प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो और अच्छा सा कमेंट भी कर दो। सही है ना यार, सब्सक्राइब करने के पीछे नहीं लगे, सब्सक्राइब करो। और आज माशाल्लाह जुमे का बाबरकत दिन है और 18वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह ऐसे वी आई पी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और माशाल्लाह ये रमजान का तीसरा जुमा और आज आखिरी जुमा रह गया, रमजान भी चला जाएगा, ईद आने वाली है, तो ऐसे दिन गुजर रहे हैं। तो भाई जितना हो सके तौबा करो भाई, गुनाहों की तौबा करो। और मुझे लग रहा है मेरा कबूतर शायद ऊपर उड़ रहा है यार, ये सीन तो ऐसे ही लग रहा है। तो अभी तो बहुत धूप हो रही है, मैं ऊपर जा नहीं रहा, कबूतर तो उड़ रहा है, हमारा नहीं शायद, हमारा नहीं। तो अभी आपको भैया कुछ सरप्राइज देने लगा, और अभी भी मैं कामों से फारिग हुआ, व्लॉग नहीं बनाया था, शॉर्ट फूट दे रहा था मैं दोस्तों को, सबका मैंने पानी छिंक रहा है, तो सबका मैंने डबिया निकाल के पानी छिंक रहा, सफाई करी थी, झाड़ू वाड़ू लगाई थी, और शॉर्ट फूट मैंने दिया सबको, पंखा भी चला ठीक है। और यार प्लीज जब का कोई मुझे हल बता दो, ये वापसी अंडों से आ रही है और ये कच्चे अंडे फेंक देती है, कोई हल मुझे इसका बताओ जल्दी से, कभी भी जो हल है मुझे जरूर बताओ, कभी हल है ना बताना। अभी मैं आपको जो सरप्राइज दिखाने लगा ना, वो भाई इधर है माशाल्लाह हमारी बजीज में, तो आप समझ सकते हो गए। और इसका जो बच्चा है ना, ये रहा इसका बच्चा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, माशाल्लाह बच्चा है। और फीमेल ने वापसी लेइंग कर दी है और माशाल्लाह इधर और तीन अंडे दिए, अभी देखते हैं मेरे भी तीन नजर आए थे, तो इंशाल्लाह देखते हैं इधर और बच्चे आ जाए, दुआ करो यार इधर और तीनों की तीनों से बच्चे आए। और इसका बच्चा जो है ना, इसको शिफ्ट करते हैं अभी कोटली कॉलोनी में, तो इनकी कोटली कॉलोनी में ये शिफ्ट कर, आज का ये मिशन है, आज के लोग ने ये मिशन पूरा करेंगे और फिर शाम के टाइम आपको ऊपर भी लेके चलेगा। आज मैंने कॉकटेल खाली दिया है लपट, कॉकटेल को खाली लपट को इसको इसलिए दिया कि चिक्स है ठीक है, और कॉकटेल को सॉफ्ट दिया है, लपट को किसी को मैंने सॉफ्ट नहीं दिया, आप देख सकते हो सबकी प्याज बाहर पड़ी हुई है, सॉफ्ट मैंने किसी को दिया। और माशाल्लाह इसके बच्चे भी बिल्कुल सेट है, वीआईपी हो रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छे माशाल्लाह फिट आ रही है माँ बाप ठीक है ना, अच्छे माशाल्लाह पल रहे हैं। और इसके जोड़े ने अभी तक अंडा ही दिया, अंडा देता तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर अपडेट हुआ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह हमारा बजीज का जो चिट का याल है, ये अपने सेम अपने फादर पे गया ठीक है, मेल पे गया सेम, और अभी फीमेल अंदर बैठी है उसको, इसको हमने शिफ्ट करना है उसको कॉकटेल कॉलोनी में, और ये चिक को हमने मतलब शिफ्ट कर देना, और अंडे अंडे ये करते हैं कितने होगा ठीक है। तो मैं खोलता हूँ ये डायग्राम करके, और यार लोग अब थोड़े थोड़े दिनों के बाद आते हैं तो थोड़ी बस यार क्या करें। ओ माशाल्लाह यार चार अंडे हो चुके हैं माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हो, अल्लाह नजरें बस से बचाए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलना कमेंट सेक्शन के अंदर, अभी और भी देगी लग रहा फिर ये ठीक है ना। और इस बच्चे को इसे शिफ्ट करो, ये माँ को तंग कर रहा है देख लो भाई माशाल्लाह, तो इसको निकालते हैं बच्चे को और उसको शिफ्ट करते हैं उधर टोकरी कॉलोनी में। पब्लिक माशाल्लाह आप लोगों ने देख लिया, इस दवा इसने चार अंडे दिए, पिछली दवा तीन दिए थे, तो चल पिछली दवा चार या तीन दिए थे मुझे दादा नहीं रहा, बस अल्लाह करे समय से बच्चे आ जाए, बच्चे जरूर है। और उसका बच्चा मैं इसे शिफ्ट करूँ, ये जाके अंदर ना माँ को तंग करता है, अंडे वंडे खराब करेगा, इसलिए इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, और बड़ा भी हो गया खुद दाना खाने वाला हो गया, तो उसको मैं निकालता हूँ वहाँ शिफ्ट करूँ, फिर आपको मिलता हूँ। इसलिए मेरा अपने बजट को ठीक हो तो शिफ्ट करा ना, सारे कंकड़ डलने में गए, लेकिन ये खुद ही सेट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने इधर बजरी अपने छोड़ा था कॉकटेल के साथ, तो देखो माशाल्लाह। और मैं दरवाजे वरवाजे बंद करके शिफ्ट करा, क्योंकि अगर पंखा चला तो पंखा बंद कर दिया, क्योंकि यार बच्चा हाथ से निकलेगा पंखे में जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है, इसलिए एहतियात करा करो इसलिए सारी चीज़ें। तो ये माशाल्लाह कॉकटेल की कॉलोनी में फुल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, ये देखो यहाँ पर फुल तैयार बच्चा है माशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, तमाशा लगा रहा है, इधर उधर उड़ रहा है, तो उसको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं इसके हाथ पर, थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा ये, वरना ये ज़्यादा से चलाकियाँ करेगा, लड़ेगा आपस में, और भाई बजे बहुत तेज होते हैं, ये कोकल को ही मारता है, कोकल तो वो बेचारा मासूम परिंदा है, वो डरता है इन सब, कोकल कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, वजह इसको भी तंग नहीं करते, बस शाम के टाइम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे, और माशाल्लाह दुआ करना बजीज के सारे बच्चे आए इंशाल्लाह यार, बहुत खुश जाऊँगा। वरना पहले आपको बता कि भाई के पास बजीज की ब्रीड बंद हो गई थी, तो इंशाल्लाह जो मैं उम्मीद है सारे बच्चे आएंगे, तो अभी इसको शिफ्ट तो कर दिया, और शाम को आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, अभी मैं थोड़ा देर रहता हूँ आराम करता हूँ। अभी शाम के टाइम आपका भाई ऊपर आया ठीक है, और कबूतर अपने अपना बाजरा खा रहे हैं, और मुर्गियाँ भी बाहर आई हुई है, मैं गया हुआ था दरअसल कब्रिस्तान गया था, खाना पानी इनको ढल गया है, और सब अपने अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं, और तरबूज डाला है इनको, तरबूज से छिलके ठंडे होते हैं तरबूज के छिलके ना, इसलिए यह इनके लिए बेहतरीन चीज़ है, और बाजरा भी डाला है, और तरबूज के छिलके इसलिए डाले हैं ये ठंडे होते हैं, और ये जो इसके ऊपर तरबूज लगा हुआ था नहीं खाते हैं, इनकी पानी की कमी पी हुई है, माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, चार इसके मोटी के नीचे, वो दूसरी जो है थोड़ी छोटी है ना हमारी घर की जो थी उसके नीचे है आठ ठंडे,
इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़्ज़ा सारा मुझसे बच्चे आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़्ज़ा। तो अभी मैं फिरने देते हैं और थोड़ी देर अभी मैं आपको नीचे चल के बच्चा भी दिखाता हूँ जो बच्चे का मैंने उधर शिफ्ट किया है वो आपको दिखाता हूँ सेट हो गया हुआ। मुर्गी देखो कैसे करनी है माशाल्लाह, देख रहे फुल भाई माशाल्लाह फुल कोड़ों के लगी पड़ी और चंडे संभाल दिए दोनों के दोनों। और मुर्गा भी आजकल फुल मस्ती में देखो काटनी ही करने लग गया भाई आजकल, उस दिन भी देखा ना काटा था इधर में रात पे, फुल शैतान मुर्गा हो गया तेज हो गया। तो भाई ये देखो ये हमारी कबूतरी ना ये बहुत तेज हो गया ही है, ये कल उड़ गई थी उड़ के गई उधर सामने जाके चील बैठी उधर जाके बैठ गई और फिर वापसी आ गई। शुक्र है इसके पार बहुत कम है अभी पर इसके ऐसा ऐसा निकल रहे हैं और उसके हमारी छत की इसको पहचान नहीं है लेकिन शुक्र है वापसी आ गई क्योंकि ज्यादा दूर नहीं गए उससे को देखो चलो उधर तंग कर लिया उधर। और ये शुक्र है वापसी आ गई इसके बच्चे निकले पड़े और माशाल्लाह दोनों बच्चे वाइट है ये देखो भाई बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको बच्चे करा हो डर रहा है मेरे से देखो डर रहा है। सफाई कर दी थी इनकी तो माशाल्लाह देख लो दोनों बच्चे वाइट है, एक की बस थोड़ी काली पूछ है पीछे से वो देखो इसके लिए तो वाइट है नहीं यार इसके थोड़े से कर भी काले काले और हैं पर इसके ये फुल वाइट है ये फुल वाइट है। और एक सीन मैं आपको बताना भूल गया, हाँ सीन बता देते हैं अभी आपको। आप लोग सोच रहे हो कि तीन कबूतर घूम रहे हैं चौथा कहाँ गया जो इनका बच्चा आया था, तो यार हर दफ़ा मेरे साथ ये सीन हो रहा है जो भी बच्चे आ रहे हैं कोई नहीं रुक रहा है यार सब निकल जाते हैं यार थोड़े से टाइम होता है ना तैयार होते हैं उड़ने वाले से होते हैं थोड़ी देर जाते हैं छत पे उड़ना उड़ते हैं माशाल्लाह वापसी आने को नहीं करते। तो यार पिछले इधर भी ये सीन हुआ जो व्हाइट मादी आई थी एक बच्चा आया था तो एक मर गया था तो वो भी निकल गया यार इतना हमने उसको इंतजार करा लेकिन वापसी नहीं आया। कोई हल बताओ इसका मुझे जब इस कमेंट सेक्शन में अंदर कि जब बच्चे प्यार हो जाए तो मैं क्या करूँ यार वो निकल जाते हैं छत की पहचान नहीं कर रहे बस ये माँ बाप यहाँ रुके हैं और वो जंगली इसको तो हमारी छत की सही पहचान हो गई है कहीं नहीं जाता माशाल्लाह जहाँ भी उड़ा दो वहीं से आ जाता है और ये हमारा था भी नहीं हमारा आ गया हमारे पास उड़ के बस। और इनको बाजरा खाने जाते हैं पानी इनका यहाँ रखा हुआ है और मुर्गियाँ अच्छे तरीके से खा रही है। पब्लिक आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह हमारा स्टेडियन बजीज का बच्चा अपसेट हो चुका है पानी कबूतर की कॉलोनी में तो माशाल्लाह आप देख लो अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको ठीक है। और वहाँ जोड़ा भी फिट है और बिना नाइन की वीडियो बना सॉरी तो यार दरअसल देर हो रही है तभी जाने जा रहा हूँ अभी और फिर ग्रो को एंड भी कर देते हैं और ये देख लो माशाल्लाह सेट हो गया जब इंशाल्लाह सेट ही देगा मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अल्लाह हाफिज़।